और लो जी, हम आ गए हैं अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन। बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ के मैनचेस्टर मेडिकल प्रोग्राम के बारे में, यहाँ के इंटरनेशनल प्रोग्राम के बारे में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारी जानकारी देने वाला हूँ। बस जुड़े रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। अलेक्जेंड्रिया कायरो शहर से लगभग 230 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ पर पहुँचने में 2 घंटे से लेकर 2.5 घंटे का वक्त लगता है अगर आप बाई रोड आ रहे हैं तो। इस शहर को आज से 2500 साल पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बसाया था और आज ये शहर ना सिर्फ इसके इतिहास की वजह बल्कि इसकी शिक्षा का स्तर, इसके यूनिवर्सिटीज़, और अगर हम ये कहें कि ये इजिप्ट की व्यवसायिक कैपिटल है तो गलत नहीं होगा। दरअसल अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट का एक पोर्ट सिटी है और बिल्कुल मेडिटेरेनियन सी के किनारे पर बसा हुआ है। अब बात करते हैं अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी की। ये इजिप्ट की दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और इसका एस्टैब्लिशमेंट 1938 में हुआ था एज अ एक्सटेंशन और सेटेलाइट ऑफ फाउद यूनिवर्सिटी, जो कि बाद में जिसको कायरो यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया, और 1942 में इसको एक अलग यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हो गया जिसको 1952 में यूनिवर्सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया का नाम दिया गया। इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 21 फैकल्टीज़ और 3 इंस्टीट्यूट्स आते हैं, लेकिन इसका फैकल्टी ऑफ मेडिसिन और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग को खास महत्व दिया जाता है। अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन की वर्ल्ड रैंकिंग पहली 1000 यूनिवर्सिटीज़ में वर्ल्ड लेवल पर आती है। अगर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात करें तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार इसकी वर्ल्ड रैंकिंग 1001 से 1200 के बीच में आती है, जबकि यानी मेडिसिन सेगमेंट में अगर बात की जाए तो इसकी रैंकिंग 351 से 400 के बीच में आती है। अरब रीजन में इसकी रैंकिंग 21st है। इस यूनिवर्सिटी में MBBCH यानी MBBS का कोर्स कुल 5 साल का है और उसके बाद आप 1 साल या 2 साल की इंटर्नशिप यहाँ कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के साथ 11 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल्स डायरेक्टली जुड़े हुए हैं जो कि विद इन द कैंपस हैं, जिसमें रोज का 10 से 12 हज़ार पेशेंट्स का फ्लो है। तो चलिए लेट्स हैव अ कैंपस टूर। कैंपस इतना विशाल है कि इसे पैदल घूम पाना मुश्किल है और इसके अंदर 11 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं। हर हॉस्पिटल की कैपेसिटी 300 से लेकर 500 बेड की है और टोटल मिला के यूनिवर्सिटी के साथ 4500 से भी ज़्यादा बेड के हॉस्पिटल्स अटैच्ड हैं। इसी की वजह से स्टूडेंट्स को मिलता है एक बहुत ही अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर और ये एक बिल्कुल भी ऑब्जर्वेशनल क्लर्कशिप की तरह नहीं है। आप प्रॉपर पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करने का एक्सपीरियंस ले सकते हैं और इसकी वजह से आपको एक बेहतर पढ़ाई का माहौल मिलता है और एक अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर भी मिलता है। क्योंकि यहाँ का मौसम लगभग इंडिया के मौसम की तरह ही है, इसलिए यहाँ की बीमारियों का पैटर्न भी ऑलमोस्ट इंडिया के जैसा ही है। इसका सीधा सीधा फायदा उसको तब मिलता है जब वो किसी भी तरह का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देता है, क्योंकि डिजीज़ पैटर्न सेम होने से आपकी पढ़ाई का रेलेवेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के हॉस्पिटल्स के बारे में। अब सब जानते हैं कि हॉस्पिटल्स और पेशेंट फ्लो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक स्टूडेंट के क्लिनिकल एक्सपोजर और क्लिनिकल एक्सपीरियंस के लिए। जिन स्टूडेंट्स को अच्छे हॉस्पिटल्स के अंदर एक्सपोजर मिल पाता है वो स्टूडेंट्स का क्लिनिकल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है और इसी वजह से वो आराम से नेक्स्ट USMLE, प्लैब और दूसरे कंट्री के लाइसेंसिंग एग्जाम आसानी से क्लियर कर पाते हैं। अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के इस विशाल कैंपस में कुल 11 हॉस्पिटल्स हैं। इन सब हॉस्पिटल्स को मिलाकर टोटल 3500 बेड्स हैं, जिसमें 3000 से भी ज़्यादा नर्सिंग स्टाफ है और यहाँ पर लगभग 8 से 10 हज़ार पेशेंट्स का डेली इनफ्लो है।
ये है अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी का मेन हॉस्पिटल, जो कि बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से जुड़ा हुआ और वाइस डीन ऑफिस के बिल्कुल नजदीक है। इसमें पूरे अलेक्जेंड्रिया और बल्कि पूरे इजिप्ट से बहुत ही स्पेशलाइज्ड केसेस के लिए यहाँ पर मरीज आते हैं। मेन हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी डिपार्टमेंट और डायलिसिस यूनिट भी है, और ये है मेन हॉस्पिटल का कार्डियोलॉजी और एंजियोलॉजी डिपार्टमेंट। इसके बाद ये है अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स हॉस्पिटल। अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी अपने सभी स्टूडेंट्स को प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव इंटीग्रेटेड सर्विसेज बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराता है, और सभी नए स्टूडेंट्स का कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिससे कि उनकी सेफ्टी और हेल्थ एश्योर की जा सके। स्टूडेंट हॉस्पिटल में करीब 200 बेड्स हैं, मल्टी ऑपरेटिंग रूम्स हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट, फिजिकल थेरेपी यूनिट, और इसके अलावा लेटेस्ट मशीनरी और कैपेबिलिटीज के साथ इस हॉस्पिटल को इक्विप किया गया है। इसके बाद है एडवांस्ड और मल्टी स्पेशलिटी फैसिलिटीज के साथ इक्विप्ड न्यू अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में 24/7 मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है और इमरजेंसी केसेस को भी देखा जाता है। इसके बाद है ये पेडियाट्रिक्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, जो कि स्पेशली पेडियाट्रिक्स केसेस को डील किया जाता है। एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है, जिसमें पूरे इजिप्ट से पेडियाट्रिक्स केसेस, स्पेशली चाइल्ड केयर और चाइल्ड इंटेंसिव केयर यूनिट्स भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा चाइल्ड सर्जरी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटीज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। और इसके बिल्कुल नज़दीक है अल शाफी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन। ये हॉस्पिटल कोस से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे है, और इसके पीछे पूरा मेन मार्केट और पीछे से ही ट्राम सर्विसेज भी अवेलेबल है। ये हॉस्पिटल विश्व विख्यात लाइब्रेरी से भी बिल्कुल ही नजदीक है, और इन दोनों हॉस्पिटल्स में चिल्ड्रन मेडिकल हेल्थ केयर से रिलेटेड लेटेस्ट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। हॉस्पिटल से ही मेडिटेरेनियन सी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। इसके बाद है अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी का मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये अलेक्जेंड्रिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में से एक है। 1950 में जब एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन की, जो कि मेडिकल रिसर्च कर सके और लोकल हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल कंसर्न्स को एड्रेस कर सके, ऐसे एक संस्थान की जरूरत महसूस हुई, तभी ये इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया गया अलेक्जेंड्रिया में। बाद में इस संस्थान को नेशनल रिसर्च सेंटर और मिनिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के साथ जोड़ा गया। इसकी सभी लेबोरेटरीज को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप किया गया, जिससे कि ये मेडिकल रिसर्च के अंदर अपना सहयोग दे सके। इसके अलावा स्मूहा यूनिवर्सिटी इमरजेंसी हॉस्पिटल, जो कि इमरजेंसी सर्विसेज को डील करता है, और डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, ये सभी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र में माइलस्टोन्स क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा अलेक्जेंड्रिया फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के अंदर क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी एंड न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट भी है, जो कि स्पेशली कैंसर रिसर्च और कैंसर के इलाज के क्षेत्र में अपना काम कर रहा है। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल्स और डोरमिटरीज की। अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी हाईली सब्सिडाइज हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है लगभग 5,460 स्टूडेंट्स के लिए। यूनिवर्सिटी कैंपस के बहुत ही नजदीक बहुत सारी बिल्डिंग्स यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स के रूप में एस्टेब्लिश की गई हैं, और ये हॉस्टल्स सभी तरीके की फैसिलिटी से लैस हैं, जिसमें किचन्स, डाइनिंग रूम्स, लॉन्ड्रीज, कैफेटेरियाज, जिम्नेजियम्स आदि सभी फैसिलिटी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर सीरीज ऑफ सोशल, एथलेटिक, इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम्स करते रहते हैं, और इस तरह की एक्टिविटीज यहाँ पर कंटिन्यूसली चलती रहती है। इस पूरी यूनिवर्सिटी को देखने के बाद आप एक बात तो समझ गए होंगे कि अगर कोई स्टूडेंट सच में एक डॉक्टर बनने जाना चाहता है और रियल स्टडीज करना चाहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहता है, और एक बेहतरीन एक्सपोजर चाहता है जिससे कि वो एक बेहतरीन डॉक्टर बन पाए, तो ये यूनिवर्सिटी ना सिर्फ शहर के दृष्टिकोण से बल्कि पढ़ाई के दृष्टिकोण से भी। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप एक बात तो समझ गए होंगे कि अगर आप इंडिया के किसी भी बेहतरीन यूनिवर्सिटी से इसका कंपैरिजन करना चाहें तो आप आराम से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि 3,500 से भी ज्यादा बेड के हॉस्पिटल्स, बेहतरीन हॉस्टल्स और एक ह्यूज कैंपस के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड फेमस फैकल्टीज के साथ ये एक बेहतरीन चॉइस है स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट फ्रेंडली सिटी इसको और बेहतर बनाता है बच्चों के पढ़ने के लिए, और ये एक रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है, इसीलिए यूनिवर्सिटी में कंटिन्यूसली कॉन्फ्रेंसेस,
इंटरनेशनल साइंटिफिक और पब्लिशिंग सेंटर है, यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉन्क्रीट रिसर्च प्लान है और कई तरह के साइंटिफिक अवार्ड्स यहाँ पर दिए जाते हैं। अभी आपने देखा कि हमने पूरा यूनिवर्सिटी एरिया को विजिट किया, यहाँ पर हॉस्पिटल्स देखे, कॉलेज एरिया देखा, बहुत बड़ा कैंपस है, पैदल चलकर इस पूरे कैंपस को शूट करना पॉसिबल नहीं है, और एक पुरानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सेकंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन इजिप्ट, हाईएस्ट रैंकिंग यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, और सबसे बड़ी बात एक बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एक बहुत अच्छा मौसम, बहुत अच्छे लोग। और चलिए अब देखते हैं अलेक्जेंड्रिया शहर को, क्योंकि अगर आप एक बार इस शहर को देख लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर पढ़ने की इच्छा और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जितनी अच्छी यहाँ की शिक्षा है उतना ही बेहतरीन ये शहर है। हमने देखा कि दूसरी तरफ बहुत ही बढ़िया एक सी व्यू है और ये भी बहुत ही खूबसूरत जगह है। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे पानी ज्यादा डीप नहीं है, बोटिंग कर सकते हैं, वेरी नाइस प्लेस। अगर मैं अलेक्जेंड्रिया की बात करूं तो अलेक्जेंड्रिया एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ की फिज़ा में एक अलग बात है, एक अलग वाइब्रेशंस है, एक अलग फ्रिक्वेंसी पे हम लोग यहाँ महसूस कर रहे हैं। तो चाहे वो एजुकेशन का पर्सपेक्टिव हो या रहने का, हर एक पर्सपेक्टिव से मुझे ये जगह बहुत ही मुनासिब नज़र आती है। अलेक्जेंड्रिया का जो लाइट हाउस है, इसको एंशियंट वर्ल्ड में जो सेवन वंडर्स हैं उसके अंदर शुमार किया जाता था। यहाँ का सिटाडल ऑफ क्वेट बे, इसके अलावा यहाँ की लाइब्रेरी वर्ल्ड फेमस है और दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में इसका नाम लिया जाता है। स्विस कैनाल से आने वाली नेचुरल गैस और ऑयल पाइपलाइंस के कारण भी इस शहर की एक अलग ही महत्व है। इस शहर के कोस्ट मेडिटेरेनियन सी के ऊपर 40 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। इजिप्ट का ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है और यहाँ की खूबसूरती और यहाँ का रोमन आर्किटेक्चर देखते ही बनता है। साथ में ही यहाँ का मौसम ये भी बहुत ही सुहाना है, और यहाँ पर जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 7-8 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के बीच में रहता है, लेकिन आम तौर पर यहाँ पर उमस ज़्यादा नहीं होती और हवाएं काफ़ी शीतल होती हैं। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।